हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मैं आज आपको चने की दाल और चावल से ढोकला बना के दिखाऊंगी ओटीजी ओवन में। तो बहुत लंबा प्रोसीजर है, चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे तीन बोल लिया है, तीन कटोरी लिया है, तीनों एक साइज़ की है। तो दो बोल में मैंने यहाँ पे चने की दाल ले लिया है और एक बोल में आपको लेना है चावल। दाल हमें थोड़ा ज़्यादा रखना है और चावल को हम रखेंगे कम। अब दोनों को हमें भिगो देना है अलग अलग, और इसे हमें 5 से 7 घंटे के लिए हमें इसे भिगो कर रख देना है फूलने के लिए, चावल और दाल को। और 7-8 घंटे के बाद हम इसे पीसेंगे। यहाँ पे 7-8 घंटे हो गए हैं और अब इसे हमें 2 बार पानी से आप धो लें दाल को और चावल को, और अलग अलग आपको पीस लेना है। तो दाल में आप 2 से 3 चम्मच पानी डालकर आपको इसे पीसना है, आपको पतला नहीं करना है इसे। आपको पीसने के लिए थोड़ा सा पानी डालकर देखो आपको इस तरह से पीस लेना है, और दरदरा ना रखे आप, एकदम बारीक आपको पीसना है दाल को भी और चावल को भी। और चावल में भी आपको बहुत कम पानी डालते हुए उसे पीसना है, जैसे हम इडली का जो बैटर तैयार करते हैं उसी तरह हमको इसका बैटर तैयार करना है। इस तरह से आपको चावल को पीस लेना है। ये देखिए एकदम बारीक पीसा हुआ है, दरदरा मैंने नहीं रखा है। दोनों को पीस लेने के बाद हम मिक्स कर लेंगे दाल और चावल को, और हाथों से अच्छे से हम मिला लेते हैं। मिला लेने के बाद हमें इसे अब फिर से रख देना है फॉर्मेट होने के लिए, भीगने के लिए रख देना है। तो अगर गर्मी का सीज़न है तो 7-8 घंटे में ही अच्छे से हो जाएगा फॉर्मेट, और अगर ठंडी का सीज़न में आप करते हो तो हमें ज़्यादा टाइम लग जाता है, 10 से 12 घंटा आपको लग सकता है। तो रात भर के जब मैंने इसे फॉर्मेट के लिए रखा तो अब सुबह आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है अच्छी तरह से फूल गया है। और चम्मच से मैं आपको इसे हटा के दिखा रही हूँ कि इस तरह से फॉर्मेट होना चाहिए, और देखिए कितना अच्छा खमीर आ गया है इसमें। अब हम इससे ढोकला तैयार कर सकते हैं। अब ढोकला बनाने के लिए बैटर अच्छे से तैयार हो गया है, तो पहले चम्मच से हम मिला लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मेरे पास ज़्यादा बैटर है तो यहाँ पर मैं इसके 2 भाग कर रही हूँ। तो 2 भाग करने के बाद 1 भाग का मैं आपको ढोकला बना के दिखाऊंगी। तो किसी बर्तन में आप इस बैटर को ले ले आधा। किसी बर्तन में लेने के बाद आप इसमें नमक डाल दें स्वाद अनुसार। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच ले लिया है, 1 से 1.5 चम्मच नमक ले लिया है। इसमें शक्कर डाल दें आप 1 चम्मच, और 1 से 2 चम्मच आप ले लें सोयाबीन का तेल। अब इसके बाद आप इसमें डाल दें हींग, 2 चुटकी हींग आप इसमें डाल दें। हींग डालने के बाद हम पहले इसे मिला लेते हैं, तो अच्छी तरह से आप पहले मिला लें। हींग डालने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 4-5 चम्मच पानी। तो अगर आपके पास खट्टा दही है तो आप इसकी जगह दही डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 4-5 चम्मच पानी डाल दिया है। थोड़ा सा हम बैटर को ढीला कर लेंगे, और 4-5 चम्मच पानी डालकर आप इस तरह से बैटर तैयार करिए। बहुत पतला नहीं रखना है आपको, मैं आपको नज़दीक से दिखा रही हूँ कि हमें थोड़ा गाढ़ा रखना है बैटर को, जैसे इडली का बैटर आप तैयार करते हो। अब इसके बाद दोस्तों, मैंने हल्दी इसमें नहीं डाला है। हल्दी का मैंने एक पानी में डाल दिया था, 2 चम्मच पानी में मैंने डाल कर लिक्विड तैयार कर लिया था हल्दी का, क्योंकि अगर डायरेक्ट हल्दी डालते हैं तो कभी कभार डॉट्स आ जाते हैं, जो हम ढोकला तैयार करते हैं उसमें ऊपर ऊपर डॉट्स नज़र आते हैं, इसलिए मैंने लिक्विड डाल दिया है। 1/2 चम्मच मैंने हल्दी लिया। अब इसमें डाल देते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा 2 चुटकी आपको इसमें डाल देना है फूलने के लिए। तो सबसे आखिरी में आप इसको डालिएगा, जब आप ओवन में रखने जाएंगे तभी आप इसमें डालिएगा। और डालने के बाद अच्छी तरह से आप मिला लें, चम्मच से गोल 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 करके घुमा के अच्छे से आप मिलाए इस बैटर को। अब ये बैटर तैयार हो गया है ढोकला के लिए। तो अब हम एक मोल्ड ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया है एल्यूमिनियम का ओवन में रखने के लिए। उसमें आप 1.5 चम्मच तेल डालकर ब्रश से या फिर हाथों से सब तरफ तेल लगा दें, ऊपर की तरफ भी ज़रूर लगाएं। अब इसके बाद इस बैटर को आप इसके अंदर डाल दें, और इसके बाद आपको थोड़ा टैप कर लेना है ताकि इसमें जो बबल्स है वो हट जाए। इस तरह से आप पहले इसको टैप कर लें
थोड़ा सा। अब हम रख देते हैं अवन में, तो अवन को पहले आप प्री हीट कर ले, पहले गरम कर ले। तो 150 डिग्री में मैंने 10 मिनट्स के लिए, 10 मिनट के लिए इसे प्री हीट कर लिया था। अब इसके बाद हम इस मोल्ड को, जो ढोकले का हमारा मोल्ड है, उसे हम रख देंगे। तो यहाँ पे मैंने बीच में रखा है उसे, क्योंकि ऊपर और नीचे की रॉड्स हम गर्म करेंगे, तो बीच में हमें रख देना है। टेम्परेचर मैंने इसका कर दिया है 180 डिग्री। 180 डिग्री में हम इसे बेक करते हैं। और फंक्शन मैंने लिया है, ऊपर और नीचे की रॉड्स हमें लेनी होंगी, तो नीचे का फंक्शन लिया है। और टाइम हमें रखना है इसका, मैंने 25 रखा था, और एक बार में ही अच्छी तरह से ये ढोकला बेक हो गया था। तो 25 मिनट्स में हमें इसे रखना है बेक होने के लिए अवन में। तो ये देखिए दोस्तों, अच्छी तरह से ये बेक हो गया है। स्टिक से आप अंदर इसमें डाल के देखिएगा, अगर स्टिक में कुछ भी नहीं लगा है, इसका मतलब ये अच्छी तरह से ये अच्छे से बेक हो गया है। और साइड से आप चाकू से इसका किनारा निकाल के पलटा ले इस तरह से, और थपथपा ले। तो ठंडा होने के बाद ही ये करिएगा, नहीं तो वो नहीं निकलेगा। थोड़ा ठंडा हो जाए उसके बाद आप इस डिब्बे से आप निकाल ले। और ये देखिए कितना स्पंजी ढोकला तैयार हो गया है। अब इसे हम काट लेते हैं, थोड़े छोटे पीस कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको नज़दीक से दिखा रही हूँ कितना स्पंजी फ्लफी तैयार हुआ है बनकर। ये ढोकला बहुत ही बढ़िया बना है। आप चलते हैं इसको तड़का दे देते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच लिया है सोयाबीन का तेल, और गैस की आज मीडियम रखते हुए हमें इसे तड़का देना है। सबसे पहले आप 1.5 चम्मच इसमें राई डाल दें, और राई जब क्रैकल हो जाए तब आप इसमें हरी मिर्च डाल दें। एक हरी मिर्च मैंने लिया है। इसके बाद आप इसमें कड़ी पत्ता डाल दें। कड़ी पत्ता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है ढोकले का। अब इसके बाद आप इसमें डाल दें, मैंने यहाँ पे आधा नींबू लिया है, नींबू डाल दें। नींबू डालने के बाद आप इसमें डाल दें 1/2 कप पानी, और पानी में आप चाहे तो नमक और शक्कर भी आप डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला है। अब इस तड़के को हम डाल देते हैं ढोकले के ऊपर। तो तुरंत ही आपको इसे डालना है गर्म गर्म, ताकि जो ऊपर का हिस्सा है, हम बेक करते हैं अवन में तो थोड़ा सा सख्त होता है, ये पानी डालने से काफ़ी देर तक ये सॉफ्ट रहेगा ढोकला। और हर कोई फिर इसे जब भी खाएंगे तो खाने में बहुत टेस्टी लगेगा, नरम नरम सॉफ्ट ही। अब इसके ऊपर आप सांभर डाल दें। अब दोस्तों ये ढोकला बनके तैयार है खाने के लिए। टमाटो सॉस के साथ खाइएगा, आपको टेस्ट अच्छा लगेगा इसका। दोस्तों मैंने यहाँ पे ढोकला बना लिया है, और हमारे घर में पहली बार अवन में बना है ढोकला, तो इसका टेस्ट जानते हैं फैमिली से कि कैसा बना है। ये ढोकले ली भाई, इधर इधर ढोकले ली भाई, कैसा दिए रे ढोकला? भाई बोले कैसे, पहले ये बताओ कैसा है ढोकला। भाई कैसे बोले, ढोकले ली भाई? नहीं है तुम दोनों खाएंगे तुम? ठीक है ठीक है, वो मैडम ढोकला कैसा दिया? हां अभी ठीक है, 50 रुपए किलो। मेरे ऊपर तो ना खाने से मिला, पैसा तो देना पड़ेगा पहले, खा लीजिए। ये कैसा करें, खिलाओ तो बाजू की दुकान में 30 रुपए का मिलता, तू 50 में कैसे दे दिया? दिखाओ दिखाओ, खड़े खड़े पहले हम चेक करेंगे, मेरे बच्चे खा के देखेंगे, पसंद आएगा तो ही लेंगे हम। अच्छा ठीक है, तो पहले खाइए तू जनाब। ऐसा है, बहुत टेस्टी, बहुत टेस्टी। कितना देना चाहिए, 30 रुपए देना चाहिए? 100 रुपए 200। मैं खा के देखता हूँ। ए भाई बस खाए जा रहे तारीफ नहीं करेगी। एक जीपी का जीव से खाया था, बहुत टेस्टी है, लेकिन भाई को बोलना ही टेस्टी है। बड़ा कुछ दिखा रहे हैं, मुंह से निकाला है, टेस्टी है, बोलना सब दिखा रहे हैं। खाने में उतना कुछ खास नहीं लग रहा हमको, खाने खाने में को पसंद लग रहा है। बाकी बताइए, आप मत खा, आप मत खा, घर का भेजी लंगा ना है। आप तो बोल रहे हो कि आप मैं कोई खाना इतना बकवास। तो ढोकला काफी टेस्टी बना है, बहुत ही बढ़िया बना है। बाहर बाहर का जो ढोकला होता है ना, सेम वही बना है। इसके लिए आपको मैं दीपिका जी 10 में से 10 दूंगा, क्योंकि सामग्री के पैसा मेरा गया है जिम में से। उस ढोकला के अंदर में ना
दवाई है। कौन सी दवाई है? कौन सी काली वाली दवाई? काली वाली पता चली की दवाई है ये। तो दोस्तों मैं पहले अपनी फैमिली को लेके जाता था रमानंद साइंस। वहाँ लास्ट टाइम मैंने ये ढोकला खाया था वहाँ पर रमानंद साइंस में, तो जो टेस्ट वहाँ का था दोस्तों वही सेम टेस्ट आज दीपिका जी ने घर में बना के ढोकला साबित कर दिया कि इनका हाथ कुकिंग में कोई भी नहीं पकड़ सकता। COVID-19 कब तक ख़त्म होगा भगवान ना जाने। ये एक साल रहता, डेढ़ साल रहता, दो साल रहता, लेकिन हमारी सब लोगों की मनोकामना है कि जल्द से जल्द खत्म हो जाए और पहले जैसे जो हमारी जिंदगी जो लाइफ हमारी चल रही थी वो इसमें आ जाए, इसमें हाँ वो नॉर्मल पटरी में आ जाए। हम तो चाहते हैं कि हम हमारे सब्सक्राइबर्स को अपने हाथों से जूते ढोकला खिलाए, लेकिन ये टेक्निकल डिवाइस है, अपने चैनल पे जाके मारिए ना जूता अपने सब्सक्राइबर को, मेरे सब्सक्राइबर को मारिए जूता। पूरी दुनिया COVID-19 को नहीं मार पा रहे, ये बच्चे लोग उसका खेल खत्म करेंगे। चैनल पर अगर आए हो पहली बार, मैं बच्चे को मैं पापा को बोलना। अबे बोल, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर, ये बोलने को बोल रहा हूँ, बोल चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसे ही कर देना, लाइक कर देना। अब मेरी वीडियो में सब्सक्राइब कर देना। बाय।